हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं से गुटबाजी पर सवाल जरूर किया जाता है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि देखिए गुटबाजी तो हर एक पार्टी में है और वो होती भी है, लेकिन कुमारी सैलजा ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर टिकटों का वितरण अच्छे तरीके से होता तो कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती। सैलजा का कहना है कि टिकट का वितरण अच्छा होता तो कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वितरण अच्छे से होता तो कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन करती। गुटबाजी होती है और है, अब इसको मैं कैसे कहूँ कि नहीं है भाई, तो ये तो है और होती है। लेकिन बात ये है कि चुनाव जब लड़ते हैं हम ठीक से लड़ते हैं, लड़ा है टिकटों में ज़रूर मेरी समझ से हम बेहतर कर सकते थे। कई जगह आपको दिख भी रहा है, थोड़ा हम अगर अपने राज्य की ओर ध्यान दे देते और कैंडिडेट इम्पोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हमारे राज्य में कैंडिडेट नहीं है। बातें हैं लेकिन अब हो गई बात, ये देखना पड़ेगा और इससे सीखे भाई, सीखना पड़ेगा। तेरा मेरा अगर हम करते रह जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। कुमारी सैलजा साफ साफ कह रही हैं कि टिकटों का वितरण और थोड़ा बेहतर होता तो हम बेहतर प्रदर्शन करते, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, तेरा मेरा करते रहेंगे तो इससे दिक्कत होगी। कुमारी सैलजा चुनाव जीती हैं, 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती हैं, दूसरे नंबर पर हैं मतों के हिसाब से चुनाव जो जीती हैं वो संख्या के लिहाज से, और लगातार वो अलग अलग जगहों पर जाकर अपने समर्थकों से कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर टिकटों का वितरण सही तरीके से होता तो हम और बेहतर कर सकते थे। एक बार फिर आप सुनिए कुमारी सैलजा का बयान। कुमारी सैलजा का बयान एक बार फिर आपको सुनाते हैं। कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा वो बयान आपको एक बार फिर सुनाते हैं। कुमारी सैलजा का बयान, स्वाभाविक गुटबाजी होती और है, अब इसको मैं कैसे कहूँ कि नहीं है भाई, तो ये तो है और होती है। लेकिन बात ये है कि चुनाव जब लड़ते हैं हम ठीक से लड़ते हैं, लड़ा है टिकटों में ज़रूर मेरी समझ से हम बेहतर कर सकते थे। कई जगह आपको दिख भी रहा है, थोड़ा हम अगर अपने राज्य की ओर ध्यान दे देते और कैंडिडेट इम्पोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या हमारे राज्य में कैंडिडेट नहीं है। बातें हैं लेकिन अब हो गई बात, ये देखना पड़ेगा और इससे सीखे भाई, सीखना पड़ेगा। तेरा तो कुमारी सैलजा मिलने के लिए पहुंची थी देवेंद्र बबली से, और इस दौरान देवेंद्र बबली ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब परिवर्तन आ चुका है, पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में फर्क आ चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति और किस तरह की